हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन का दूसरा पार्ट लेकर आप लोग के सामने आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविजेज एन इन टू प्रिविलेज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। चलिए दोस्तों, इसको अब शुरू करते हैं। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रू टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफी हाउस व सैलान की डिस्कशन में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकें एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ। पुस्तकें एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ाया जाता था ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उसे समझ सके। इसी समय लुई 16वीं द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़क गया। दोस्तों, अब इसके दूसरे टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, मींस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, अब इसको हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। पिछली भागों में हम लोग देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वीं ने टैक्स बढ़ा दिया था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए टैक्स के अपने प्रस्तावों पर मंजूर लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वीं ने 5 मई 1789 को नए टैक्स के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्सराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश करना वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से
उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ उसे लेकर आए हुए थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वीं इसी प्रथा का पालन करने के लिए वहां पे ढूंढ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से वे लोग बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के डंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और ऑबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। ऑबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका भी लिखी। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसमें। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट चुके थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे तबाह कर दिया। देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रोश होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वीं ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने टैक्स, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इसके अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, फ्रांस बिकम ए कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये अगला जो टॉपिक है इसको हम लोग अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।